हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जूही की दुनिया। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कद्दू पकौड़ा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिएगा। चलिए बनाते हैं कद्दू पकौड़ा। इसके लिए मैंने कद्दू को छील के, मतलब लौकी भी बोलते हैं इसको, छील के इस तरह से स्लाइसिस में कट करके रख दी हूँ। चलिए इसके मसाले देख लेते हैं। कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच मिक्स मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा गोलकी पाउडर, अदरक लहसुन मिर्च पेस्ट एक छोटा चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छे से कद्दू में मिला के, लौकी में मिला के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इस तरह से इन सारे मसालों को मिला के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छे से मिल गए हैं, अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, कद्दू पकौड़ा सभी को पसंद आता है, आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए इसके बैटर के मसाले देख लेते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता कटा हुआ, एक पिंच बेकिंग सोडा खाने का सोडा, आधा छोटा चम्मच जीरा गोलकी पाउडर, एक छोटा चम्मच मिक्स मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन मिर्च पेस्ट और बेसन एक कटोरी भर के छोटा वाला में। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पानी डाल के अच्छे से इसका बैटर बना लीजिए, स्मूथ बैटर। ज़्यादा पतला मत बनाइएगा क्योंकि स्लाइसिस में कद्दू कट है, तो उसमें अच्छे से बेसन को लगा के फ्राई करते हैं। देखिए इस तरह से तेल गर्म हो चुका है, देखिए इस तरह से पूरा इसमें अच्छे से बेसन का कोट लगा के इसे फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, ये पकौड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी है बनाना। फ्रेंड्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये पकौड़े को शेयर करिए और ट्राई करिए अपने घर में। फ्रेंड्स, आप ये जब ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसा लगा कमेंट में। फ्रेंड्स, आपको और मुझसे कैसे वीडियोस चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए धीमी आंच में मैंने इसे फ्राई कर ली हूँ। ये अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन हो गया है, गोल्डन ब्राउन। देखिए ये फ्राई हो चुका है, इसे प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है कद्दू पकौड़ा, अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिर्ची को भी फ्राई कर दी थी। आप इसे केचप, सॉस, मिर्ची, नींबू, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। पकौड़ा का मज़ा मिर्ची के साथ और केचप सॉस के साथ ही अच्छा लगता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।